तो दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड्स में देखा कि कैसे अमित और सिमरन का बेबी होता है और वो हीरो ब्रांड निकलता है। हीरो ब्रांड सब जलाना शुरू कर देता है और वो अमित और सिमरन का घर भी जला देता है। दोनों उससे बचने के लिए नेदर में चले जाते हैं। हीरो ब्रांड विलेजर्स के खेत भी जला देता है। अमित और सिमरन बर्फीले बाबा से मदद मांगने के लिए जाते हैं और हीरोइन ब्रांड की हेल्प से हीरो ब्रांड की शादी करवा दी जाती है। हीरो ब्रांड ठीक हो जाता है और वो हनीमून पे चले जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। एक महीना हो गया हमें हनीमून पे आए हुए, लेकिन अभी भी घर जाने का मन नहीं हो रहा। वो तो नई नई शादी हुई है इसीलिए, फिर तुम भी मुझसे बोर हो जाओगे। मैं तो तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये खूबसूरत बीच की तारीफ कर रहा था। एक बार घर पहुंच जाएं हम, फिर मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। अरे डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे पापा का कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं मस्त हूँ, आप और मम्मी कैसे हैं? बेटा, तुम दोनों के बिना मन नहीं लग रहा यहाँ पे, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है, हम यहाँ एक महीना और रहने वाले है। बेटा, तुम मेरी बात तो मानोगे ना, जल्दी आ जाओ। कितने दिन हो गए तुम्हें और बहू को देखे हुए। देखो मम्मी, अभी तुम लोग हमें डिस्टर्ब मत करो, हम अगले महीने घर आ जाएंगे। बाय। मेरा बेटा बिगड़ गया है, पक्का उस चुड़ैल बहू का असर है। मैं एक राज की बात बताऊं तुम्हें? हाँ बताओ। मेरा असली नाम एलेक्स ब्राइन है। और क्या क्या सीक्रेट छुपा के रखे है मुझसे? वो तो धीरे धीरे तुम्हें पता चल ही जाएगा। अमित बाहर आओ, हमारी फसल के डायमंड्स दो। कौन है जो इतना चिल्ला रहा है? मैं हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? बताओ राम जी, क्या काम है? तुम्हारे बेटे हीरो ब्राइन ने मेरी सारी फसल जला दी थी, उसके बदले तुम मुझे डायमंड्स दो। भाई कौन सी फसल, जाओ हीरो ब्राइन से जाके डायमंड्स मांगो, मेरे पास कुछ नहीं है। बेटा तुझे तो मैं देख लूंगा, बस तुम देखते जाओ। आया बड़ा दिखाने वाला, तेरे जैसे बहुत आए और चले गए। सिमरन पानी गर्म करो, मैं नहाने जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता ना, तो मैं रोने की बजाय गेम्जी ऐप पे आसान गेम्स खेल के पैसे कमा लेता। गेम्जी ऐप में एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है, कभी भी अगर आपको फैंटेसी गेम में लॉस हो रहा है तो आप गेम्जी ऐप में रिकवर कर सकते हैं। ये बिल्कुल नए जमाने का फैंटेसी ऐप है। मैच शुरू होने के बाद आप कभी भी टीम नहीं बना सकते, पर गेम्जी ऐप में आप फर्स्ट इनिंग देखने के बाद सेकंड इनिंग की टीम बना सकते हैं। और तो और आप 5-5 ओवर की लाइव फैंटेसी भी खेल सकते हैं, मतलब मैच देखते देखते आप पैसे जीत सकते हैं। 4 बार पैसे जीतने का मौका आपको सिर्फ गेम्जी ऐप पे ही मिलेगा। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी इस मैच में सेकंड इनिंग चल रहा है, तो मैं सेकंड इनिंग्स के लिए भी टीम बना सकता हूँ और यहाँ पे मैं लाइव फैंटेसी भी खेल सकता हूँ। बड़े सही ऑफर्स हैं यहाँ पे, ₹50 मिलते हैं साइन अप करते ही। अगर आप YT1000 कोड लगाते हैं तो 500 के डिपॉजिट पर आपको ₹1000 मिलेंगे। लेकिन हाँ, ऐप डाउनलोड करते वक्त मेरा रेफर कोड डालना मत भूलना, क्योंकि इससे मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा ऑफर्स टाइम टू टाइम। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, चलो बोटिंग के लिए चलते हैं। हाँ चलो, मैं भी वही सोच रहा था। पकड़ के बैठना, नहीं तो गिर जाओगे। हाँ मैं छोटा बच्चा नहीं रहा अब, मुझे मत सिखाओ। अरे नाना जी का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ बेटा, ये हीरो ब्रांड फोन नहीं उठा रहा, कहाँ है वो? हाँ वो मेरे साथ ही है, उसका फोन शायद बीच पे रह गया है। उससे बात करवाओ, अर्जेंट है। हाँ नाना जी, क्या बात है? देखो बेटा, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उससे तुम पैनिक मत करना। ऐसी क्या बात है, जल्दी बताओ। अमित और सिमरन नहीं रहे। नहीं रहे से क्या मतलब है आपका? वो तुम दोनों को मिलने ही आ रहे थे और घर से निकलते ही उनका एक्सीडेंट हो गया। नहीं, ये आप मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं कर रहा बेटा, मैं फोटो भेजता हूँ, देख लो। नहीं मम्मी पापा, ये क्या हो गया? बेटा तुम लोग जल्दी आ जाओ,
हमें उनको आखिरी गुड बाय करना है। हाँ हम अभी आते हैं। नाना जी ये क्या हो गया, ये सब हमारी वजह से हुआ है। अब होनी को कौन टाल सकता है। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आओ उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। आई एम सॉरी पापा, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। सासू माँ आपकी बहुत याद आएगी, हम सास बहू ने एक भी लड़ाई नहीं की, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। चलो बेटा तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, कुछ भी मदद चाहिए तो मुझे याद कर लेना। ठीक है नाना जी, बाय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे मम्मी पापा इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ देंगे। आपके नखरों से मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ मायके। अरे सिमरन रुको तो। अरे मम्मी पापा आप जिंदा हो? हाँ। ये नाना जी तो बता रहे थे कि आप दोनों मर चुके हैं। हाँ वो हमने ही उनको बोला था ऐसा करने को, ताकि तुम दोनों जल्दी वापस आ जाओ। मम्मी पापा मैं कितना डर गया था ये सोच के कि आप लोग नहीं रहे। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था तुम्हें वापस लाने का। तुम लोगों को भूख लगी होगी, आओ अंदर चल के नाश्ता करते हैं। हाँ आ जाओ मेरे बच्चों। तो इस तरह से ये फैमिली कंप्लीट हो गई, पर अभी भी इनके ऊपर एक और मुसीबत आने वाली है। श्यामू वो अमित ने तो डायमंड्स नहीं दिए। रामू फिर तो एक ही रास्ता है। कौन सा? हीरो ब्राइन को किडनैप कर लेते हैं और उसके बदले में डायमंड्स मांगते हैं। वाह क्या आइडिया दिया है, रात को जाएंगे किडनैपिंग करने। पापा मैं अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं सो सकता? बेटे अभी सो जा, मैं सुबह बताऊंगा। रामू धीरे से चलो, तुम्हारे पैरों की आवाज से सब लोग जाग जाएंगे। ये देखो तीनों के तीनों सो रहे हैं, और ये देखो हीरो ब्राइन इतना बड़ा हो गया फिर भी अपने मम्मी पापा के साथ सो रहा है। नूबड़ा कहीं का, चलो फिर उसे उठा लेते हैं। आ जाओ फिर अंदर। चुपके से इसे उठा लेते हैं और ले जाते हैं। हाँ ध्यान से कहीं ये जाग ना जाए। जामू ये तुम्हारा सिस्टम सही से काम तो करेगा ना? हाँ बिल्कुल, तुम टेंशन मत लो, ये लीवर दबाते हैं हीरो ब्राइन सीधा हमारे गांव पहुंच जाएगा। तो मैं ये लीवर दबा दूँ ना? अरे हाँ हाँ बिंदास। चलो अब हमारी बारी है। चलो फिर। अरे रामू लीवर दबाना भूल ही गए तुम, अब हम लेट पहुंचेंगे। ये मैं किधर आ गया और मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहा? चलो अभी सो जाते हैं, सुबह होते ही अमित को फिरौती का कॉल करेंगे। अरे हीरो ब्राइन कहाँ गया? ये कहीं फिर से हमसे नाराज होके भाग तो नहीं गया ना? अब वो बड़ा हो गया है, वो ऐसा नहीं करेगा। तुम ऊपर जाके देखो, मैं बाहर जाके ढूंढता हूँ। मेरा बेटा मिल नहीं रहा है, तुम हमें छोड़ के कहाँ चले गए? ये भला क्या चीज है, कुछ तो गड़बड़ है इधर, ये पहले तो यहाँ नहीं था। लगता है इसी रास्ते से हीरो ब्राइन को कोई उठा ले गया है। अरे ये रास्ता तो शुरू होते ही खत्म हो गया, कुछ तो झोल है इसमें। अभी कॉल करूँ मैं फिरौती के लिए? हाँ करो, पर आवाज बदल कर बात करना, नहीं तो उसे पता चल जाएगा। हाँ ठीक है वैसे ही करते हैं। हेलो कौन बोल रहा है? वो जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा हीरो ब्राइन हमारे पास है, अगर उसे जिंदा वापिस चाहते हो तो 100 डायमंड्स लेके आ जाओ। किधर आना है? तुम्हारे घर के पीछे 2 किलोमीटर दूर एक नेदर पोर्टल है, वहाँ पे एक चेस्ट पड़ी होगी, उसमें 100 डायमंड्स रख के चले जाना। तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर सही सलामत पहुँच जाएगा। वो रहा सामने नेदर पोर्टल, चेस्ट भी पड़ी है, 100 डायमंड्स इसमें रख के चला जाता हूँ।
तुमने जो कहा था मैंने कर दिया, अब मेरा बेटा किधर है? सामने देखो, आ ही रहा होगा। अरे बेटा तुम आ गए, कहाँ चले गए थे? पापा मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। तो तुमने उनको जला नहीं दिया? तुम्हारे पास तो पावर है ना। एलेक्स ब्रायन के साथ शादी करने के बाद मेरी सारी पावर चली गई है। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया था, वैसे शादी के बाद इंसान के पास कोई पावर नहीं रहती। माँ किधर है? वो अंदर बेहोश पड़ी है, अब तुम आ गए हो तो उसे भी होश आ जाएगा, चलो अंदर। रामू इसमें से 50 डायमंड्स मेरे हैं। मैं क्यों दूं तुम्हें डायमंड्स? तुम्हारी फसल थोड़ी ना बर्बाद हुई थी। किडनैपिंग का आइडिया मेरा था, तो मेरे 50 डायमंड्स तो बनते हैं। ठीक है ले लेना 50 डायमंड्स। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है डायमंड्स बांटने की? अरे बर्फीले बाबा आप आइए आइए, आपको देखकर तो हम धन्य हो गए। कहिए बाबा जी हम आपकी क्या सेवा करें? ज्यादा कुछ नहीं, 100 डायमंड्स दे दो। अरे इतने सारे डायमंड्स का आप क्या करोगे? ये देखा नहीं तुम लोगों ने, सुअर पे घूम के मेरी कमर लचक गई है, अब मैं लैम्बोर्गिनी में घूमूंगा यार। लेकिन उसको खरीदने के लिए मुझे डायमंड्स चाहिए। सॉरी बाबा जी इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद ही डायमंड्स निकाल लूंगा। ये मेरा सुअर किधर गया बे? आजा भाई, वैसे डायमंड्स के लिए थैंक यू, चलो मैं चलता हूँ।